ठीक है सर, बट द स्पीकर्स दिस वे, इट्स ओके, इट विल वर्क। तो मैं वकास एक आध बार पहले भी आपसे तारुफ हो चुका है, बात को थोड़ा सा तूल दे देते हैं अपने फॉर्मल एनालिसिस और ब्रेकडाउन और प्रिडिक्शन की तरफ जाने से पहले। ये जो छोटा सा एक आइडिया, ये पौधा सा जो था, अब तक किसी हद तक इसको अपने तई हतुल वसा हतुल इम्कान हद तक दयानतदारी ईमानदारी और पूरी अपनी कुव्वत और रिसोर्सेज को इस्तेमाल में लाते हुए ये बेड़ा हमने सर उठाया हुआ था। लेकिन ये जो इस आइडिया का जो क्रक्स है, इस ख्याल की जो बुनियाद है, इसका जो कुल है, वो मुझे बख्शने वाले मेरे बड़े अच्छे मोहतरम दोस्त, मेरे भाई और मेरे मोहसिन आसिफ अहमद सिद्दीकी साहब आज हमारे साथ हैं। तो पहले तो कुछ आप एक सेलेक्ट हमारे कारीन से कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम कारीन और फैंस और एमएमए के तमाम फैन, अस्सलाम वालेकुम। ये आज एक जो हमने लाइव एक सेटिंग रखी है, हम डिस्कस करेंगे कल होने वाले एक बहुत अहम मुकाबले जो कि फ्रांस के सियाफाम खिलाड़ी गेंद और रशियन नीम सियाफाम और रशियन मार्शल आर्टिस्ट, रशियन ब्लैक बेल्ट इन शू चिन कराटे एंड ब्राउन बेल्ट इन जुजुत्सु एज़ वेल। तो अलेक्जेंडर वेलकनोव, तजुर्बे का ये फ़ायदा होता है, ये डायरेक्ट आतिश अमरूद में कूद पड़े हैं, इन्होंने कोई तहमीद बांधने का मौका हमें नहीं दिया। तो चले बेहतर है, ज़बान खल्क को नकार खुदा समझते हैं और बात को वहीं उसी रुख पे डालते हैं जिसकी असल ज़रूरत है। UFC हैवीवेट के नंबर 5 रैंक फाइटर और UFC हैवीवेट के नंबर 3 रैंक फाइटर का ये टकराव इस बात के अलावा कि इसमें किसी किस्म की कोई फौरी टाइटल इम्प्लीकेशन, इम्कान के इन दोनों में से जीतने वाले किसी खिलाड़ी को बिला वास्ता फ्रांसिस इनगानो के खिलाफ मौका दिया जाएगा, ये इम्कान काफ़ी मध्यम काफ़ी कम दिखाई देता है। लेकिन बई दस कयास हरगिज़ नहीं है, बड़ी अच्छी बात की। इसमें जो सबसे अहम चौंका देने वाला फैक्टर है और जो सबसे मुसम्मिम पहलू है इस मामले का, इस कज़िये का, वो ये है कि स्टीपे म्योचिच फ्रांसिस इनगानो से आलमी हैवी वेट चैम्पियनशिप फाइट में सिर्फ हारे नहीं थे आसे भाई, ही वेंट ऑल स्क्वायर, उनको बिल्कुल चित ढेर कर दिया था, मतलब उनको लुगदी बना दिया था फ्रांसिस इनगानो ने। तो अब ऐसे एक प्लेयर को डेलिब्रेटली ताखीरी अंदाज से ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए प्रोलोंग करना, ये मेरा ख्याल है UFC ज़रूर रिव्यू करेगी अपने इस डिसीजन पे। और डैना वाइट जो अब तक मुसर रहे हैं कि फ्रांसिस इनगानो के खिलाफ अगले सबसे मजबूत उम्मीदवार स्टीपे म्योचिच हो सकते हैं, मेरा ख्याल है आज की ये फाइट इस बयानिए को ज़रूर बदल देगी। आप क्या कहते हैं? ये आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है और मेरा भी ये ख्याल है कि देखिए डैना वाइट की भी एक अपनी नफ्सियात है। डैना वाइट की सारी कोशिश ये होती है कि वो जितनी ज़्यादा फाइट को हाइप दे सके। Exactly, a lot of storytelling, lot of वो अभी पिछले दिनों रमज़ान कदीरोव जो चेचनिया के जनरल हैं, आर्मी हुक्मरान हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि इनके अक्सर फाइटर्स जो हैं वो UFC एज अ प्रोजेक्ट उनको क्राफ्ट करती है, एज अ हुनर पारा के तौर पर उनको तख्लीक किया जाता है। तो बड़ा अच्छा नुक्ता बता रहे हैं आप आसिफ भाई हमें। तो असर एक तो ये कि अगर आप इस फाइट को तकनीकी एतबार से देखें जो कि गेन और वेलकनोव के दरमियान होने जा रही है, एक तो ये है कि ये हैवी वेट और मिडल हैवी वेट के मुकाबले वैसे ही कम होते हैं, आपको ज़्यादातर वेल्टर वेट, लाइट वेट और फैदर वेट या फैदर वेट, ये कैटेगरी में आपको खिलाड़ी ज़्यादा मिलेंगे दुनिया भर में। जी हाँ, क्योंकि ये एक एवरेज साइज होता है। अच्छा, हैवी वेट में चूँकि इतने बड़े वजूद के साथ मार्शल आर्ट जैसा क्विक और
और इंतहाई एजाइल बॉडी वाला खेल खेलना ऐसे खिलाड़ी कम मिलते हैं। ये मुकाबला तकनीकी एतबार से मैं समझता हूँ दोनों खिलाड़ी ऑलमोस्ट बराबर बराबर हैं। उसकी वजह ये है कि दोनों बुनियादी तौर पे स्ट्राइकर हैं। अब वेल्कनोव और गेन, इन दोनों का स्टाइल जो है वो स्टैंड अप फाइटिंग है। बिल्कुल 100%। दिस फाइट, ये इस फाइट को कहा ये जा रहा है कि ये ज़र्ब के माहिरों की बेहिश्त साबित होने जा रही है। ये शायद हमें कोई एक आधा टेक डाउन अटेम्प्ट देखने को मिले, और वो भी मेरा नहीं ख्याल कि सिरिल गेन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वोल्कोव इज अ ब्राउन बेल्ट और उनका बड़ा मजबूत टेक डाउन डिफेंस। बिल्कुल, गेन का जो प्लस पॉइंट है वो ये कि वो बहुत स्विफ्ट मूवमेंट बहुत तेज बैट किक्स मारता है। ठीक, जो लेग किक्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो सेकंड टू नन, ऑल्डो के बराबर उसकी स्पीड है इतने बड़े वजूद के साथ। गुड पॉइंट। माइथाई का वो चैम्पियन वर्ल्ड और हैवी वेट कैटेगरी के अंदर दुनिया का फास्टेस्ट प्लेयर, वेल्कनोव को सिर्फ एक एज ये हासिल है कि उसकी रीच ज़्यादा है गेन के मुकाबले में, लेकिन फुर्तीला इतना नहीं है जितना गेन है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे वकास के उसने अपना एक स्टाइल बना लिया है, वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है और खिलाड़ियों को वो करीब घुसने देता नहीं है। आप देखें वो एक जैब उसका जो है फ्रंट जैब उसका हमेशा मोहम्मद अली किले की तरह एक डिस्टेंस रीच अपनी बना के रखता है। अच्छा, पिछली कई फाइट्स में ये भी बड़ा अमूमी मुशाहदा है कि वो अपने दोनों पैर स्टॉम्प करके रखता है। हाँ। बड़ी मजबूत बेस बनाता है, उसके बाद पावर शॉट्स की, लेकिन फ्लैट फुट की वजह से भाई बहुत बड़े वॉल्यूम्स में स्ट्राइक करता है वोल्कोव, और इतने हैवी वॉल्यूम में स्ट्राइक करने वाला एक फाइटर अगर 44 पेशा वराना मुकाबले लड़ चुका हो, तो आपके ख्याल में एक नौजवान उभरते हुए सिर्फ 14 पेशा वराना मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी का उससे मुकाबला कुछ जचता है? बस यहाँ आती है उम्र में 7 साल का डिफरेंस, उम्र में 2 साल का डिफरेंस है आसिफ भाई। 38 का वो है, 31 का ये है, 33 का वो है, 32 का, 31 का सिरिल गेन। आई एम सॉरी, मुझे नो इशू, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहरहाल कल हम देख लेंगे, अगर हम फाइटिंग स्टाइल देखें तो गेन भी अग्रेसिव है और वेल्कनोव भी अग्रेसिव। अब इन दोनों में से किसी एक को जो है फैसला करना पड़ेगा कि कौन बैक फुट के ऊपर जाता है, और जाहिर है जो पावरफुल होगा, जो ज़बरदस्त होगा, वो इसको अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएगा। 41 मुकाबले कुल मिला के अलेक्जेंडर वोल्कोव लड़ चुके हैं, जिनमें से 33 में वो फतायाब साबित हुए हैं, और उन 33 में से मेरा ख्याल है 22 या 23 मुकाबले स्ट्रेट अवे नॉकआउट के जरिए, नॉकआउट और फिनिश। सिरिल गेन अब तक 4 मुकाबले नॉकआउट के जरिए जीतने में कामयाब हुए हैं, 2 मुकाबले जो उन्होंने सबमिशन के जरिए जीते हैं, वो दोनों ही उम्मीदवार रेसलिंग और बिलखसूस बुलंद पाया रेसलिंग के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा नाम या शोहरत नहीं रखते थे। तो क्या वोल्कोव किसी किस्म का कोई ग्रैपलिंग हैवी, रेसलिंग हैवी एडवांस करते नज़र आ रहे हैं आपको? मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर हम इसकी वो देखें, इससे पहले की फाइट्स देखें, तो वेल्कनोव ने ग्राउंड गेम की तरफ गया नहीं है बहुत, मतलब है कि बहुत ज़्यादा श्योर होता है जब वो, और वो देखता है कि जब उसका अपोनेंट जो है वो डिफेंस पे है और स्ट्राइक करने में उसको वो हो रही होती है, और जब वो श्योर होता है तब जाकर के उसने अटेम्प्ट किया। लेकिन ये बेसिकली आप देखें ब्राउन बेल्ट जिजित्सु में वो है, लेकिन अमूमन जिजित्सु के जो स्ट्राइकर जो जिजित्सु के अंदर वो लेते हैं वो डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेजे लेते हैं, वो सबमिशन स्केप के खातिर या ऑफ द बैक, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं टेक डाउन या ऑफेंस एकदमी पोजीशन के लिए रेसलिंग में बहुत ज़्यादा महारत होना लाजिम है, जुजित्सु यहाँ इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं। जुजित्सु अमूमन जो फाइटर्स हैं आप देखें, और वैसे भी बुलंद टेल डोल वाले ये दो हैवी बोट्स हैं, और बिलखसूस सिरिल गेन की इतनी सुबुक रफ्तार उनका फुटवर्क है, तो मेरा भी अंदाज़ा यही है कि टेक डाउन्स प्रॉबेबली इस फाइट में इतना ज़्यादा अमल दखल देती नज़र नहीं है। अच्छा, 5 राउंड की ये फाइट है जी,
अलेक्जेंडर वोल्कोव मां सिवाय, मेरी कमज़ोर सी यादाश्त के मुताबिक मां सिवाय डायरेक्ट लिविस के खिलाफ फाइट के कभी भी किसी भी मौके पर स्टेमिना या तवानाई के हवाले से हांपते हुए या कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। सिरिल गेन का ये फ़कत दूसरा मेन इवेंट है, क्या ये कोई बड़ा मसला साबित नहीं होगा गेन के लिए? एक सीजन कंपेजर के खिलाफ 5 राउंड तक एक नपातुला और मुस्तकिल अंदाज अपनाए रखना कैसे देखा? असल में जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं वेलकनोव जैसे, उनको बखूबी अंदाज़ा है। इससे पिछली फाइट में आपने देखा होगा कि उसने फ्रंट बॉडी शॉट अपने अपोनेंट के सोलर फ्लेक्सिस पर बड़ी ज़बरदस्त किक्स मार रहा है, बड़ी ज़बरदस्त शॉट मार रहा है। बॉडी शॉट्स जो होते हैं वो आपकी इंड्योरेंस और आपकी एनर्जी तहस नहस कर को ले बैठते हैं। नो डाउट, ठीक है, कोई कितना ही कोई फाइटर क्यों ना हो, आप उसको लेवर शॉट एक मार दें उसके बाद फिर उसकी स्पीड जो है वो सब ख़त्म हो जाती है। सॉरी, तो ये हर बार चूँकि उसका तजुर्बा है वाल्गनोव का इतना पुराना, वो खिलाड़ी है 40-44 वो मैचेस खेल चुका है, तो एक जो रिंग का अपना प्रेशर जो होता है वो तो वो बखूबी ले लेगा। उसके ऊपर सिर्फ एक स्ट्रेस ये है, उसके ऊपर सिर्फ एक स्ट्रेस ये है कि मुजफ्फर अंसारी भाई फिल वक्त आपको कैमरे में लेने की सहूलत मैसर नहीं है, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह आपको तफसील से आला तूल कैमरे में लेंगे हम फिर कैसे। मैं ये कह रहा था कि इस वक्त बेसिकली वेलकनोव के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि इस हाइप, ये जो हाइप हुई है क्रिएट इस मैच में, सिरिल गेन बड़ी तवातर से मैचेस जीतता हुआ आ रहा है और खिलाड़ियों को तहस नहस करता हुआ आ रहा है। वेलकनोव की मिसाल जो है लॉयन प्राइड में बुढ़े शेर की है इस वक्त, सीजन फाइट, सीजन मजा हुआ, मजा हुआ अपने काम का, अपनी फील्ड का पक्का। हाँ, अगर वो सिरिल गेन से हार जाता है तो उसके पॉइंट जो पीपीवी होता है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा और उसकी रैंकिंग पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एलिस्टर ओवरीम को दूसरे राउंड में नॉकआउट करके आ रहा है, एलिस्टर ओवरीम को आप अगर देखिए तो वो रेड कब चला है, ओवररेटेड, अब इज डन वो हो गया, उसका टाइम गुजर गया, वो 40+ में खेल रहा है इफेक्टिवली तो अब अच्छा। वैसे मुजफ्फर भाई थैंक यू वेरी मच, आपकी ये सताइश, आपकी पजीराई बिल्कुल हमें मौसूल हो रही है। आपको अगर हमारी आवाज़ बगैर किसी खलल रखने के सुनाई दे रही है तो गिव मी अ थम्स अप प्लीज़ जी। सॉरी आसिफ भाई कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि एलिस्टर ओवरिंग अपने वक्त का एक माना हुआ खिलाड़ी है और उसने जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ उसने किया है जब तक, लेकिन उसका एक उरूज उसका उरूज का वक्त ख़त्म हो गया, उसकी एज ज़्यादा हो गई है, उसकी एजिलिटी कम होती जा रही है, उसका फुटवर्क भी वो नहीं रहा। अब एलिस्टर ओवरीम की कोशिश ये होती है कि वो खिलाड़ी को क्लिंच में ले और उसको नी मारे। हाँ, वो पूरी फाइट मैंने देखी थी एक से ज़्यादा बार और पूरी फाइट एलिस्टर ओवरीम ने इफेक्टिवली स्ट्राइक करने की कोशिश नहीं की। वो बैक जो वोल्कोव के खिलाफ टेक डाउन मां सिवाय कर्टिस ब्लेडर्स जो के एक बहुत ही आला मयार के ग्रेड वन रेसलर है, वोल्कोव को इतना आराम से चित करना, जेर करना, पटक देना मुमकिन नजर नहीं आता। बहुत अच्छा फासला रखते हैं, बिलखसूस बड़ी कातिल ये फ्रंट किक्स और अप किक्स डेवलप की हैं पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपनी, तो एट बे रखेंगे सिरिल गेन को। आसिफ भाई वीडियो में अच्छा खासा वक्त हम ले चुके हैं, क्यों ना उस मरहले की तरफ आ जाएं जिस बात के लिए ये सारा हमने आलम रचाया था। लेट्स कम आउट विद हयाबाने मिक्स मार्शल आर्ट्स ऑफिशियल प्रेडिक्शन। अब की बार चूँकि हम कुछ जदीदियत के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वीडियो कर रहे हैं तो हल्की फुल्की इसमें आपको अंग्रेज़ी की चाशनी कुछ ऊपर से मिलेगी, तो बराए मेहरबानी उसको आप नागवार मत समझिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा। उमूमन मैं अपने वीडियोस में अंग्रेज़ी को फोकियत नहीं देता हूँ, उर्दू ज़बान को ही तरजीह देता हूँ। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, आसिफ भाई कौन जीतेगा? ये कहना बहुत मुश्किल है, 50-50 है फाइट, एक तरफ तजुर्बा है दूसरी तरफ गेन है।
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर अगर गेन ने शुरू में अपना प्रेशर बरकरार रखा और वो हावी होने पे कामयाब हो गया, जो कि वेल्कनोव को अंडर प्रेशर लेना एक बहुत मुश्किल काम है, वो एक जिन्नाती साइज का एक खिलाड़ी, ही इज अ टावर, ही इज अ लिविंग टावर, तो उसके लिए अच्छा इतनी बड़े वजूद के साथ, इतनी बड़ी टांगों के साथ उसकी लेग किक्स भी बहुत तेज है, नो डाउट, और वो एक हथौड़े की तरह पड़ती है। अच्छा, वो एक एक जो बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो ये है कि सुनील गेन का मैंने बगौर मुशाहिदा किया, उसका स्ट्राइकिंग डिफेंस तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बॉक्सिंग साइंस, जो उसकी हेड मूवमेंट है या पिविटल पावर शॉट से जो उसकी टेंटेटिव अवे मूवमेंट है, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और वोल्कोव एक बहुत ही पॉलिश्ड, एक बड़ा मजा हुआ बॉक्सर भी है। वोल्कोव को आप ये कह सकते हैं कि इज अ स्नाइपर, उसकी एक्यूरेसी जो है वो एक स्नाइपर वाली एक्यूरेसी, नो डाउट अबाउट इट। तो आपका झुकाव मुझे महसूस हो रहा है कि सिरिल गेन की तरफ है। मुझे सिरिल गेन पर 52-48 समझ लें, मैं 52 दूंगा वोल्कोव को और 48 सिरिल गेन, क्योंकि वोल्कोव के पास इस वक्त बहुत बड़ा एक बेस उसके अपने तजुर्बे की है, नो डाउट, और सिरिल गेन में एनर्जी है, तजुर्बा नहीं है, उम्र दोनों की ऐसी नहीं है कि जिसको आप कहें दोनों अपने प्राइम में हैं, उम्र के हवाले से आप उनको राइड आउट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, स्ट्राइक आउट नहीं कर सकते। तो मिक्स मार्शल आर्ट में तजुर्बा बहुत अहमियत रखता है, बिलखसूस हैवी वेट में तो खासी बड़ी उम्र के फाइटर्स भी लंबा अरसा चलते हैं। तो नाज़रीन, जैसे आसिफ भाई ने कहा, बिल्कुल मेरा भी ये ख्याल है, बल्कि इस वक्त आप अमूमी मिक्स मार्शल आर्ट से वाबस्ता किसी भी एक्सपर्ट, किसी भी शाइक, किसी भी आशिक से दरियाफ्त करेंगे तो कम ओ बेश इस फाइट के बारे में उनका कहना यही होगा, इट्स अ वेरी हार्ड फाइट टू प्रिडिक्ट, दोनों ही फाइटर ऐसे हैं, दोनों में वेरिएंस ऐसा है कि डिसाइसिवली ये बताना खासा कठिन, खासा मुश्किल साबित होगा, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि आसिफ भाई 52% चांसेस ऑफ विक्ट्री दे चुके हैं वोल्कोव को, और यहाँ दो पोलर अपोजिट्स किसी वजह से बज़ाहिर एक ही जगह मुश्तमा होते नज़र आ रहे हैं। मेरा ज़ाती हैसियत में भी यही ख्याल था, यही राय है के अलेक्जेंडर वोल्कोव इब्तदाई कुछ राउंड्स में स्लो नपी तुली रेंज मैनेज करती हुई, और एक 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 ख़ास उनका मखसूस अंदाज है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए इंटाइस करते हैं वो अपने मुखालिफ को अंदर आने के लिए, जिसका बहुत ज़्यादा रुझान सिरिल गेन के उमूमी चूँकि मुआइथाई बैकग्राउंड से आए तो वो क्लिंच की तरफ जाते हैं, ये रुझान इस मौके पे आके मेरा मुशाहिदा ये बताता है कि बहुत ही प्रिसाइज टेक्निकल काउंटर स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज मौजूद हैं वोल्कोव के अंदर। जी बिल्कुल, इब्तदाई दो राउंड किसी हद तक वोल्कोव सिरिल गेन को रेंज पर रखते हुए तीसरे राउंड में या चौथे राउंड की इब्तदा में टेक्निकल नॉकआउट के जरिए इस इम्कान को, जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, उमूमी तौर पर दुनिया भर के मिक्स मार्शल आर्ट पंडित रद्द कर रहे हैं अक्सर, लेकिन इंट्यूशन इज द की हेयर, ये मेरी राय है, इससे किसी को इख्तलाफ हो सकता है। मेरा ज़ाती ख्याल है एक ऐसी फाइट जिसके बारे में आम ख्याल ये है कि ये 5 राउंड पूरे करेगी, डिसीशन तक जाएगी दोनों स्ट्राइकर्स के बुलंद पाया स्ट्राइकर होने के बायस, लेकिन मेरा ज़ाती हैसियत में ख्याल है कि यही वो फाइट है जिसमें 44 फाइट्स का तजुर्बा सर चढ़कर बोलेगा और अपनी मखसूस नपी तुली पावर बॉम्ब से लदी वॉल्यूम स्ट्राइकिंग के बायस तीसरे या चौथे राउंड में अलेक्जेंडर वोल्कोव सिरिल गेन को नॉकआउट या टेक्निकल नॉकआउट करने में कामयाब हो जाएंगे। उर्फे आखिर कोई बात अपने खारीन के लिए, कोई खारीन को ये कहना है कि देखें सैटरडे नाइट को ये बहुत एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह हो रही होगी क्योंकि ये वेस्ट में उस वक्त रात होगी, तो उस लिहाज से जो है अर्ली आवर्स के अंदर हमें ये मैच देखने को मिलेगा। ESPN Plus की सब्सक्रिप्शन सर्विस पे आप ये मेन इवेंट देख सकते हैं।
तो आज का सिलसिला यहीं तमाम करते हैं। हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ये एक सिलसिला है जो एक ग्रेटर कॉज के लिए, एक बड़े बेहतर पॉजिटिव मुस्बित मकसद के लिए हमने शुरू किया है, और इट्स प्योरली आउट ऑफ आवर ओन लव फॉर द गेम। इसमें कोई मनफियती पहलू, कोई रुपया पैसा मिलने की ना हमें उम्मीद है, ना फिल वक वी आर हंटिंग फॉर दैट राइट नाउ। और बस ये है कि आप जैसे दोस्तों, हम ख्याल लोग जो एक मुश्किल सा जौक रखते हैं, मिल बैठेंगे, अपनी एक कम्युनिटी बना लेंगे, और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान में अगले कुछ सालों में ये खेल अपने बाम पर होगा, तो लोग हमें इस खेल के अव्वलीन चाहने वालों की हैसियत से याद करेंगे। कैसा दिया? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन आते हैं। तो फिल वक्त आज के लिए अपना सिलसिला यहीं तमाम करते हैं। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा इस पोस्ट के हवाले से। ये पहला सिलसिला था, और आगे तूफान बदतमीज़ी मचाने का हमारा भरपूर इरादा है। इंशाल्लाह कई बार मुस्तकिल मुस्तनिद मालूमात और वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। फिल वक्त खयाबाने मिक्स मार्शल आर्ट की जानिब से वखास रजा और आसिफ अहमद सिद्दीकी भाई को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।